अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अभी हम ये होटल में थे, वो दिखाने के काबिल नहीं था, बस ठीक है, हमने पैसे ऐसे दे दिए थे। तो अभी हम तकरीबन सुबह के 8 होने वाले हैं, हम निकलेंगे उमराट की तरफ। यहाँ से तकरीबन कोई कह रहा है पास ही आई, कोई कह रहा है 2 दिन लगे, कोई कह रहा है 3 दिन, लेकिन है कुछ 70 किलोमीटर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम वहाँ करेंगे नाश्ता, हम यहाँ नहीं कर रहे, नाश्ता आगे करेंगे। तो अल्लाह करे महाराज के सफ़र में सही गुजरे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अभी हम अपने बाइकों पर सवार हो चुके हैं और ये कुमराड़ से हम, मैं कुमराड़ कह रहा हूँ, कलाम से हमने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया कुमराड़ की तरफ। कोई है 50-60 किलोमीटर तो होगा कम से कम। रात को सही ठंड थी, बड़ी मज़े की नींद आई। नाश्ता हम यहाँ से नहीं कर रहे, नाश्ता कहीं आगे रास्ते में, रास्ते से रुकेंगे, रुकेंगे और वहाँ से नाश्ता कर लेंगे। काफ़ी लंबा बाज़ार है कलाम का, क्योंकि हम रात को इंटर हुए थे, काफ़ी तय करने के बाद आ गए, हमने होटल लिया और अभी भी ये बाज़ार चल रहा है आगे। ये तो कोई मंडी छंडी लग रही है, काफ़ी बड़ा बाज़ार है, लेकिन रेट इनके ज़्यादा ही हैं इधर बनस्बत पीछे कलाम मालम जब्बा वगैरह स्वाद के बनस्बत, यहाँ रेट ज़्यादा हैं। होटल ऐसे तो बहुत ज़्यादा है, हर किस्म का मिलेगा आपको, लग्जरी, नॉर्मल, मीडियम, 5 स्टार, हर किस्म का मिलेगा। रेट ज़्यादा है क्योंकि एक तो मेरे ख्याल में टूरिस्ट भी ज़्यादा आते हैं। रात को हम बाज़ार में घूम रहे थे तो मोस्टली बाहर के लोग थे, यहाँ कितने ही थे, लाहौर वगैरह, ये पंजाब, वहाँ के लोग थे सारे बाज़ार में। और जो फैमिली के साथ आए वो तो सारे शॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि लेडीज साथ हों पर वो शॉपिंग ना करें ये तो नहीं हो सकता। पहले तो रोड ठीक थे, अब ये रोड ऐसा आया है, देखो ये कहाँ तक ऐसा है। अगर आगे कुमराड़ तक ऐसा हुआ फिर तो बड़ा टाइम लग जाएगा। मैं से फिर पूछना पड़ेगा कहाँ कुमराड़ जाता है। ये बता रहे हैं इधर जाता है, नहीं आगे तो रोड ठीक है, ये तो ठीक है। जंगल चेक करें आप, ऊंचे ऊंचे दरख्त, मुझे लग रहा था ऐसा हुआ तो फिर तो टाइम लगे, लेकिन नहीं ये ठीक है। पता ही नहीं था इधर कैंपिंग कर लेते रात, चलो वही ना, चलो आगे किधर छोड़, टाइम लेट हो जाएंगे, आगे चल। उस्मान भाई कह रहे हैं घूम ले, मैं कर लेट हो जाएंगे, आगे पहुंचे जाम जाना है। ये तो अब देख लिया, नजर मार ली हमने, रोड अब ठीक आ गया, पहले
मैंने सोच रहा ऐसा हुआ फिर तो बड़ा टाइम लगा ऐसा, ये तो ज़बरदस्त रोड है, ठीक है। उसके बाद लीची भी है इधर, ये सामने लीची का नज़र आ रहा दरख्त मुझे, ये लेफ्ट साइड पे मेरे जो ज़मीन है हमारा ज़रखेज़ है। बारिश तो फिर इधर तो बारिश जिस तरह कहते हैं ना आशक है, वो वाला सीन है। ये देखिए सब्जियां लगाई हैं लोगों ने, ये लेफ्ट साइड पे पाई, कोई गोडी कर रहा है। ये मस्जिद है जी अमीर माविया, इधर भी दुकानें हैं छोटी छोटी, जैसे गांव वगैरह में होती हैं। लेकिन जो कलाम का मजार था वो पीछे जहाँ से हम गुजर के आए हैं, काफ़ी खूबसूरत वादी है ये। दरमियान घर और साइडों पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दरमियान से ये रास्ता कुमराट की तरफ जाता होगा। हम सही जा रहे हैं लेकिन हम थोड़ा लॉन्ग रूट पे आ गए थे क्योंकि बशाम से हमें मालूम जबक तरफ नहीं जाना चाहिए था। हम सीधा वहाँ से राइट होते तो सीधा हम गिलगित, जितना हमें मालूम जब्बा जाना थोड़ा और टाइम लगा था, हमने गिलगित पहुँच जाना, वहाँ से ये सारे अस्तौर कुमराट सारे एक्सप्लोर कर। लेकिन चलो खैर है, एंजॉय करने लगे, लॉन्ग रूट था लेकिन एंजॉय किया। ये थोड़ा ऑफ रोड आया है, यहाँ पे मेरे ख्याल में लैंड स्लाइडिंग होती है ऊपर से। हाँ ये लैंड स्लाइडिंग, जहाँ भी लैंड स्लाइडिंग है वहाँ रोड पर टूटा होता है क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, फिर वो सारा रोड वो बरकरार रह नहीं सकता। कार वगैरह के ज़्यादा मसले, बाइक तो निकल ही जाते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर ना हो के पास नीचे इंजन को लगे बाइक के, वरना तो बाइक ऑफ रोड पर निकल ही जाते हैं। निकल जा भाई, निकल निकल है ऑफ रोड लेकिन खैर है, इतना नहीं है, ज़्यादा बड़े पत्थर हैं बस, थोड़ा एहतियात से चलाए निकल जाते, आसानी से इसको क्रॉस कर लेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, संगम होटल कोई बता रहे हैं, उस होटल पे रुकते हैं वहाँ पे नाश्ता करते हैं। ये सामने लग रहा है शायद, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़। ये सामने स्टील का बजाने मेरे ख्याल से ऊपर से गुजरना है, और ये छोटा सा बच्चा रोड में चहल कदमी कर रहा है। उम्र यही होती है बचपन की, टेंशनों फिक्र से बेफिक्र, बस खाया और जिधर आया सो गए, कोई टेंशन ही नहीं है। ऐसे ही रहा है कि जब, क्योंकि पत्थर वाले पहाड़ हैं तो यहाँ पत्थर तो गिरते होंगे।
जी दोबारा सफ़र स्टार्ट करिए। यहाँ पुल के ऊपर रुके थे, ये दो दरिया यहाँ से एक इधर से आ रहा है किधर से आ रहा है, तो हमने इसकी ड्रोन फुटेज वगैरह ली, थोड़ा रुके थोड़ा इन्जॉय किया। ठंडी ठंडी हवा तेज सामने से आ रही है और बस बारिश ना आई हो हमें। वाओ ज़बरदस्त, इन्हीं चीज़ों के लिए निकले थे हम। ये कुछ सामने घर के लिए पुल शुल है उधर, ये इधर लैंड स्लाइडिंग हुई है भाई, तो ये काम हो रहा है। खैर है खैर है, आधे घंटे क्या है। ये दरिया का जो लुक आ रहा है ना इन बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान में से साथ ये रोड, वो तो अखीर ही है और बहुत तेज पानी है और कभी मौसम ऐसा है कि ऊपर बादल है, ठंडी हवा चल रही है तेज हमारे सामने से आ रही है और किसी किसी टाइम कोई बूंद बारिश की भी गिरती है, तो यानी हर चीज़ का मज़ा आ रहा है। बारिश है, बादल हैं, ठंडी हवा है, पहाड़ हैं, ये खूबसूरत रोड, साथ दरिया, और क्या चाहिए। क्योंकि सही बारिश हो रही है लगता है, सर्दी लग रही है हल्की हल्की, जैकेट वगैरह पहनी हुई है अपर वगैरह। बारिश ये बारिश हाँ तेज होती जा रही है, कोई जगह मिले ना हम रुक जाए रुक जाएंगे। ये सामने आया कोई उधर रुक जाएंगे हम। ओ आगे चल आगे चल। ये इधर हम रुक जाएंगे, बारिश तेज हो गई है। हाँ ये ठीक है बेस्ट है ये जी, इधर हम रुक जाएंगे, बारिश बहुत ज़्यादा है जी। उस्मान भाई मज़ा आया, मज़ा आ रहा है। ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा ये दे आपको दिखाते हैं जी पानी साथ, ऊपर से बारिश हो रही है ये देखें, और बारिश देखें सही स्पीड वाली। अब ये रुकेगी तो तब भी हम जाएंगे, वरना तो क्या ख्याल है सुमान भाई, चले बारिश में, बारिश में वापस किधर चले। इस तरह करके चले थे तो यहाँ से बारिश आ गई शदीद तेज वाली, तो ये एक मेरे मुर्गी की शॉप थी बंद है, लेकिन हमें काम दे गई। ये देखिए ऊपर छत छत है, चारपाई मिल गई हमें, बाइक खड़े कर ली है, और ये साथ दरिया है, बारिश आपको छाते की नहीं देख रही है और आपको नज़र आ रही है, और ये सीधे दरिया है, सारे मज़े एक साथ। थोड़ा वेट करते हैं, फिर बारिश रुकती है तो फिर हम आगे अपना सफर कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। यहाँ बारिश हो गई तो हम रुके थे, तो ये पीछे दरिया का नज़ारा देखें काफ़ी खूबसूरत है। अभी बता रहे हैं कि तकरीबन
2 घंटे लग जाएंगे हमें कुम्हरार जाते हुए। अभी हमें नाश्ता भी करना है, तो उस भाई मिले, ये गांव है ऊपर, उन्होंने बताया कि यहाँ पे आप 6 किलोमीटर जाएंगे तो आगे आ जाएगा होटल। तो ये पानी तो आप देख रहे हैं पीछे, ये बहुत ज़बरदस्त। और ये एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, ये ऊपर बादल जो टकरा रहे हैं ना, ये देख इंतहाई दिलकश नज़ारा। बस होटल पे रुकते हैं, वहाँ पे नाश्ता शाश्ता करते हैं, फिर आगे निकलेंगे। बस आगे नज़र आ रहा है थोड़ा आसमान साफ नज़र आ रहा है, तो इंशाल्लाह वहाँ पे हम नाश्ता वगैरह करेंगे और आगे इंशाल्लाह मौसम साफ़ हो जाएगा तो अपडेट करते हैं। शुक्रिया जी, सलाम है। ये बारिश हो गई थी तो हम एक इधर ढाबा टैप था, छाप गया लेंगे के उसका बरामदा टैप बना हुआ था, उसके नीचे हम रुके थे। अब दोबारा अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया है। अब आगे वो बता रहे थे कुछ 6 किलोमीटर होटल है, उधर रुकेंगे, नेक्स्ट स्टॉप हमारा वहाँ पे होगा। तो मज़ा, ठंड हो गई है काफ़ी। ये सुमान भाई मेरे आगे आगे, रोड ठीक लग रहा है। बारिश होने के बाद थोड़े अब बादल, पहले से बिल्कुल स्याह बादल थे, अभी ये है कि थोड़े ना वो पतले हो गए हैं, बाकी से थोड़ी रोशनी नज़र आ रही है हमें सामने वाली वादी से। तो उम्मीद करते हैं कि आगे बारिश ना आए ताकि हमें रुकना ना पड़े, हम जल्दी पहुंच जाएं कुम्हरार। तो आगे तो हमने जाना नहीं है, लेकिन ये पहुँच जाए तो कैंपिंग करनी है, होटल करना है, जो भी करना है। इतना जल्दी बंदा पहुँचेगा तो फिर वो उसकी अरेंजमेंट बंदा जल्दी कर सकता है। ये जी हमारा नाश्ता बन रहा है, ये हमारा ऑमलेट है, वो प्याज कट चुके हैं, ये इस पर बनेगा कढ़ाई में जी, लाला जान कढ़ाई में जी बनेगा इंशाल्लाह। ये खान भाई हैं जी। खान भाई व्हाट इज योर नेम जी? सर नाम क्या है? मोहम्मद हनीफ सर। मोहम्मद हनीफ इनका नाम जी, है जी। और ये इस किचन 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 के मालिक हैं? हाँ, और इस जगह के भी मालिक हैं माशाल्लाह से इंशाल्लाह। और बाकी अभी हम इनसे ये इस ताक आग पे बना हुआ जी भाई साहब खाना खाएंगे। हेलो गाइस, वहाँ से भी करता है बड़ी अच्छी बात, इधर रख देता है यानी मजे मजकूले यार भाई साथी। हाँ कैसे लोग हैं यार, शहरों में रहते हैं, घूमो फिरो भाई, ऐशी मारो। उधर रह रहे लोग डिप्रेशन का शिकार है, पागल हो गया, यहाँ आए बंदा सुकून करे। बस हमसे गलती ये हो गई कि भाई इसको पता नहीं था, वरना हम कैंपिंग यहाँ करते, हम होटल पर रुकते ही ना। और क्या क्या खाने में? देसी चिकन, फार्मी चिकन, रोस्ट ट्राउट फिश। ओ ट्राउट फिश भी है जी सर? किस तरह? वो कम से कम 3,000 का जी। हाँ ओ क्या करे जी, दरिया का है ना, फार्म का नहीं है जी। खुद पकड़ते हो? खुद नहीं पकड़ता है जी, शिकारी पकड़ के लेकर आता है। मुझे टीम किधर मिलता है वहाँ लाना होटल का। इधर सही है, इधर बैठना है, उधर गीला है, ये गीला है, गीला है। देखो खीर बन रही है, ये नेचर का मजा है। गर्मी होती है तो ये खाए नहीं, हमने कहना क्या बनाया सही है, खा ली मौसम आसान है। मैंने सही पहले प्याज टमाटर काटे, हाँ किसी ना गांव के नाई के पास है।
जी कामरान की चाबी है, ये जी कामरान भाई के बाइक की चाबी गुम गई थी और हम ये झील में ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए। जी अभी हम यहाँ इस झील पे रुके थे, इसको कहते हैं जमाका झील, लोग मकामी लोगों ने बनाई है, खुद गांव वालों ने पानी का रास्ता बना के, तो आगे ये लकड़ी के पुल बनाया अंदर जाके बैठने की जगह, हमने नाश्ता वगैरह किया, बहुत मज़े का था, आमलेट वगैरह जो बनाया था उन्होंने ज़बरदस्त। एक स्टोरी हुई हमारे साथ कि मैं सामान उठाया, मैं वहाँ से आ गया भाई के पास आया तो कहीं बाइक के पास ही चाबी गिर गई और मैं समझा कि ना पानी में गिरा दी, तो ढूंढ के फिर उस्मान भाई आए बाइक के पास, मैंने कहा ये बड़ी है, मैं कहा आधा यार आधा पाओ खून सुखा दिया है। तो ये सीन हुआ, अभी हम निकल पड़े हैं कुमराट की तरफ, पहले करोड़ आएगा उसके बाद कुमराट आएगा। ये तो दरिया का या ऑफ रोड ही होगा लेकिन इतना बुरा नहीं है। यहाँ से जाते हैं भाई, निकल जा भाई, निकल गए। ऊपर से आना, उधर मजबूत है पत्थर, ये खैर थोड़ा पानी काफ़ी ठीक ठाक था, ज़बरदस्त। सामने जो चोटी है उस पर अभी बर्फ़ है नज़र आ रही है, अभी भी ग्लेशियर के हैं बर्फ़ के हैं, बर्फ़ की ग्लेशियर होते हैं, बात एक ही है। लेकिन ये रोड अब ठीक लग रहा है, ऐसा तो हुआ था फिर तुम इतनी खूबसूरत वादी एंजॉय होगा। ये देखें जी इंतहाई खूबसूरत, और मौसम इतना ठंडा, हम धूप पे बैठ के नाश्ता किया, बहुत मज़ा आ रहा था, जैसा हम दिसंबर जनवरी में पंजाब में बैठ के करते हैं ना, इस तरह ये फील होता, मीठी मीठी धूप लग रही थी। ये जो आना है वो इससे बहुत अच्छा सीन है, वो देखें जो लोगों ने सीन क्रिएट की हुआ अंदर, वो चश्मा बना के, ये देखें पुल टाइप बना के ना, खाल टाइप उसकी जो पानी की खालें होती हैं वो बना के, तो आगे उन्होंने ऊपर से गिराया हुआ उसको वाटरफॉल बनाया हुआ उन्होंने, तो बहुत खूबसूरत लगा है दरिया के अंदर अंदर। ये इधर हुई है जी लैंडस्लाइड, या रोड पहले से बन रहा है, क्या सीन है, गुजर ही जाएंगे गाड़ी जा रही है तो फिर हम बाइक को क्या है। ये देखें कि गांव वालों ने छोटा सा पुल बनाया हुआ है, हैंडमेड खुद ही बनाया उन्होंने, तारे वगैरह लकड़ी लगवा के। ये देखें ये कितनी खूबसूरत वादी है, और ये गांव और ये घर जो बनाया उन्होंने, ये के ऊपर एक मिसाइल भी लगाया हुआ उन्होंने, असली वाला तो नहीं है आर्टिफिशियल ही है। तो ये टूरिस्ट आए हुए हैं, ये लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं, ये रिसॉर्ट है ब्लू बर्ड रिसॉर्ट, अब इस जगह का गाँव का क्या नाम है ये नहीं, चलो पूछते हैं ना इधर से कहीं। इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है जगह का, सही हो गया, इसका कहते हैं मंगलोट शाहीनाबाद, मंगलोट क्या पता नहीं क्या कहा है, शाहीनाबाद मंगलोट ही कह रहा है, मंगलोट शाहीनाबाद, बहुत खूबसूरत है ये, और इधर होटल शोटल भी हैं, रिसॉर्ट हैं बेहतरीन, क्योंकि वादी इतनी खूबसूरत है तो फिर होने चाहिए। ज़बरदस्त, इधर रुकना चाहिए था हमें, पता नहीं था हमें इधर कहीं लेना था, होटल इधर ले लेते नहीं, कैंपिंग करते मज़ा आता। चलो खैर है, फिर सही फिर कभी आए तो इंशाल्लाह इधर रुकेंगे हम।
फिर ऑफ रोड आ गया, लेकिन ये मज़े का सीन है तो उधर मज़ा आता है। फिर ऐसे ऑफ रोड भी कबूल है, इतनी खूबसूरत जगह। ये चीज़ ये साथ चश्मे का, चश्मे तो बहुत हैं, किधर पता नहीं किधर किधर से पानी। ये फिर पानी आ गया, यहाँ से गुजरना पड़ेगा, मैं यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं। ये ठीक था, पत्थर तो नहीं था, छोटा थोड़ा पानी। ये जो स्लिपरी होते हैं ना, जिनको सही जैसे कहते हैं तराश के बनाया हुआ, वो सीन है। इधर रुकते हैं, मेरा पार्टनर पीछे रह गया। ये जी हम थोड़ा ऊपर चढ़ के ये रुके थे इधर, थोड़ा हमने कहा बाइकों को भी थोड़ा ठंडा करें और ख़ुद भी सांस लें थोड़ा। काफ़ी मुश्किल ऑफ रोड ये देख रहे हैं हम, और एक दफ़ा हम भूल गए, हम आगे चले गए जो खबेकी झील की तरफ जाता है, तो आगे जाके लोगों ने बताया कि पीछे आप आना है। अगर आप इस तरफ से आएँ तो मंगलोर शहीनाबाद आएगा, शहीनाबाद जो वो आबादी आप निकलेंगे तो आगे एक राइट साइड पे नया दरिया के ऊपर पुल बना ग्रीन का, उसके साथ लेफ्ट साइड पे ऊपर रोड चार्टर है, उस पर आपने चढ़ना है। उससे थोड़ा आगे आप आएंगे तो चढ़ाई आएगी थोड़ी सी, वहाँ से दो रास्ते फिर जा रहे हैं, ऊपर चढ़ा है नीचे, आपने नीचे वाले से आना है और आप सीधा इस ट्रैक पर आ जाएँगे। थोड़ा सा बेहतर आया, पीछे तो बहुत ख़राब था, वहाँ से मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सका क्योंकि मैं क्या अगर वीडियो के ध्यान में लगा ना। ये देखे जी आप, ये ऐशा वशा चढ़ जा भाई, ये ऐसे कभी कभी पैच आ जाते हैं इसमें, तो असल में पंजाबी है ना तो पंजाबी निकल जाती है दरम्यान से। जी जी इधर मोस्टली जीप लोग गाड़ी पे आते हैं, नीचे कालाम वगैरह में गाड़ी खड़ी कर देते हैं, वहाँ से जीपें मिलती हैं, बुक करते हैं। अगर आप बाइक वगैरह पर नहीं जाना चाहते, गाड़ी पर आना चाहते हैं आप, तो वहाँ पर कलाम से आपको जीपें मिलेंगी, तो जीप से आप सुकून से आ सकते हैं। वैसे आपके पास प्राडो वगैरह बड़ी गाड़ी है वो तो लैंड क्रूज, उसको तो मसला ही कोई नहीं है, या वीगो है आपके पास उसको तो टेंशन ही कोई नहीं है, उसके ना कीचड़ बन जाता है। जी उस्मान भाई, ये बस थोड़े से एक दो पैच है, कीचड़ वाले पैच कोई नहीं है, एक ये था कि पीछे था आपने देखा, बाकी पत्थर हैं, खड्डे हैं, वो हैं दबा के इस ट्रैक पे। ये भी हम काफ़ी सफ़र तय कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हम जो पीक पे है वो पहुंचने वाले हैं, तो आगे देखते हैं। वो पीछे एक भाई हमारे साथ थे 125 वे, उनका तो 125 क्या था कि बस बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं,
तो वो उसको थोड़ा रेस्ट करवा रहे थे। वो वादी नगर वहाँ से ऊपर चढ़ना है आपने, और ये मुसलसल हमें मंगलोर के जंगलों में से ऊपर चढ़ रहे हैं। ये शायद आपको नज़र आ रही हो वादी नीचे, उस वादी से हम चढ़े हैं ऊपर। ये देखें किसी किसी जगह ये इतना खूबसूरत प्याज आ जाता है ना, वो इतनी ठंडी हवा भी आ रही है ना कि बस ना पूछें, दिल कर रहा है इधर ही बैठ के सो जाए। ये देखिए कितनी खूबसूरत जंगल है। अभी थोड़ा सा रोड बेहतर होगा क्योंकि पत्थर ख़त्म होते जा रहे हैं, और अब ये मट्टी मट्टी वाले थोड़ा बेहतर होता है ऑफ रोड। ये देखिए कितना खूबसूरत, ये जे ज़बरदस्त, ये दरख्त भी कुछ गिरे पड़े हैं। ये देखें ये ऑलमोस्ट हम पीक पे तकरीबन आ गए हैं। ये देखें उफ उस्मान भाई क्यों इधर हो गए ना, जरा क्यों इतना जो चढ़े हैं, उसके पैसे पूरे हुए? ये देखें ओए होए, ये देखें ये नीचे सारा जंगल कुमराट का, और ये सामने अब इनकी चोटियों का हमें नहीं पता ये कौन सी चोटियाँ, नांगा पर्वत हैं क्या है ये नहीं पता हमें। और देखिए कितने खूबसूरत ऊपर बादल और ये बर्फ़, और ऊपर धूप से जगमगा रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा यहाँ रुकते हैं तो आगे आपको ज्वाइन करेंगे आगे क्या होता है हमारे साथ। लेकिन जो हमने चढ़ाई चढ़ी है उसके पैसे वसूल हो गए। ये देख खूबसूरत, और ये ऊपर ऊपर पहाड़ है सारा, ये इसके साथ साथ ये ऑफ रोड जा रहा है, ठीक ही है, इतना ख़राब नहीं है बाइक के लिए तो। यानी हमने अभी जैकेट सामान ने भी पहनी, मैंने अपर पहना हुआ है, और हल्की हल्की लाइट सी नहीं होती वो वाली फील आ रही है हमें ठंडक की। तो ये देख एंजॉय करें आप भी हमारे साथ साथ, मकसद ये है कि हम एंजॉय करें तो आप लोगों को भी दिखाएं कि कैसी कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए सामने शायद आपको नज़र आ रहा छोटी, रोड भी ख़राब है मैं सही दिखा नहीं पा रहा आपको। ये सामने देखिए खूबसूरत इंतहाई, ऊपर बादल आसमान बिल्कुल ब्लू, और ये नीचे मैदान पहाड़ों के, सुभान अल्लाह, इससे अच्छा नज़ारा हो नहीं सकता। और इतनी ख्वारियाँ हम काट के आए हैं तो उसका फल जो है वो इससे बेहतर नहीं हो सकता। इंतहाई खूबसूरत ये नज़ारा देखने के काबिल है। ये देख ज़बरदस्त, ये ऊपर इतनी बड़ी वादियाँ देखें आप, जिसने ये सब कुछ बनाया आप अंदाज़ा लगाएं वो खुद कितना खूबसूरत होगा। और जिसके लिए बनाया फिर वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना खूबसूरत होगा कि जिसके लिए सारा जहां बनाया उस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये इधर तो नहीं हो सकता, हमने इधर जाना होगा, ये तो उधर को झील की तरफ जा रहा है, इधर तो नहीं जाना हमने, ये झील की तरफ जा रहा है, हमने ये जाना है वो उधर जा रहा है। कौन सी जगह ये? ये टॉप है, टॉप, ये बड़गोई टॉप है। वो तुमने ऊपर देखा था, ऊपर बैठा हुआ था, हमने आपको हाई किया था, लेकिन आप बड़ी मुश्किल से ऊपर गए। वो सामने बोट लगा हुआ है, ये होटल, ये मेहमान नवाज होटल है, ये मेहमान नवाज होटल है, मतलब वैसी वैसे नहीं है, मेहमान नवाज ही करेगा भाई, वही ना वैसे वैसे नहीं, मेहमान नवाज आओ ठहरो, ये भाई ये
नहीं दिखाना क्यों? ये हमने तो सही बातें नहीं किया है। कुछ नहीं होता बाद में करेगा उधर आओ मड़ा जा प्रेत का ठहरे ना किधर सेट पे गाड़ी रोके उधर सेट पे करो उधर मोटरसाइकिल खड़ा करो बोर्ड छोड़ निकालो जी। अस्सलाम वालेकुम। अब वो जो कुछ लोग कहते हैं कि जी पागल हैं बाइकों में गिरे हैं, बाइकों पे ना आते ना हम, ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है ना नज़ारे, ये हम कभी भी नहीं देख सकते थे। ये आगे थल के एरिया स्टार्ट होता है, ये पीछे त्रोड़ था और ये सामने जो चोटी नज़र आ रही है ना, इसका नाम उन्होंने पूछा था याद नहीं है, रिटर्न में हम डाल देंगे सब सब टाइटल पे तो आपको दिखा देंगे। तो अभी हम यहाँ से 2 घंटे और हमें लगेंगे, पहले थल आएगा, थल के बाद आएगा जी कुमराट, हम वहाँ रात नाइट स्टे करें। और ये पीछे देख चोटियों पे बर्फ़ और ये मैदान इंतहाई खूबसूरत, जाने का दिल नहीं कर रहा। हम बाइक के नीचे खड़े हैं, ये रोड नीचे ये नज़र आ रहा हूँ, यहाँ नीचे खड़े, यहाँ से ऊपर चढ़े, यहाँ ड्रोन के शॉट लेंगे वो आपको दिखाएं। और उस